हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आपका वेलकम हो चुका है नाज़िन शाह के ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? तो बस अभी ब्लॉग का स्टार्ट की हूँ मैंने, अभी ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है अपना। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो क्या बात है, आप लोग क्यों कमेंट नहीं करते हो? कमेंट कीजिए कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है, क्या लगता है, एटलीस्ट कुछ तो बताइए कमेंट करके। ये राफिर यहाँ पे देखो सता रहा है। अभी मैं बैठी हूँ, अभी मेरा मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, नहा धोकर फ्रेश हो चुकी हूँ। तो सोचा कि चलो अभी जल्दी जल्दी से ब्लॉग स्टार्ट कर लेते। अभी मैं जा रही हूँ बाज़ार, तो इंशाल्लाह कोशिश करें कि अभी तो टाइम हो गया, बाज़ार का टाइम तो मेरा ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब मैं जाऊंगी बाज़ार और कुछ बाज़ार ले लेंगे। क्या है क्या नहीं देखते हैं, क्या है क्या नहीं बाज़ार में जाके, क्योंकि हम लोगों के बाज़ार में हमेशा कुछ ना कुछ एंटिक चीज़ें आते रहती है। इसके लिए बाज़ार में कभी कभी आती है, कभी कभी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती है जो कि अपन सोच भी नहीं सकते कि इस बाज़ार में मुझे मतलब ऐसी चीज़ मिलेगी, ऐसी ऐसी चीज़ें आती है। तो थोड़ा जाके देखते हैं कि आज बाज़ार में क्या है क्या नहीं है, और बाज़ार भी ले लूँगी। थोड़े बहुत बाज़ार भी लेना है, जैसा कि मुझे लेना है कांदा लेना है। कांदा भी ख़त्म हो चुका है, बहुत गर्म हो रहा है गाइस। मेरे फ़ैन बंद करी हूँ क्योंकि फ़ैन की बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है, इसलिए मैंने फ़ैन बंद करके रखी हूँ। तो चलो फिर फ़ैन चालू कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़े टाइम में। मैं क्या बनाऊँगी क्या नहीं बनाऊँगी ये आपसे शेयर करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी। बाय बाय करो, बाय, मिलते हैं थोड़े टाइम में। इराफ इतना खाली उड़ी मारते रहते हमेशा। गाइज़, मेरा खाना बनके हो चुका है। जैसा कि आज मैंने आप लोगों को बताई नहीं थी कि मैं क्या बना रही हूँ, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी से खाना बना ली। तो ये देख सकते हो, ये है चावल, आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है। और ये है चिकन का सालन, बढ़िया वाला, रेड कलर वाला। तो अभी खाते हैं, हम लोग यहाँ बैठे हैं, अपनी प्लेट लेके खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद। तो गाइज़, ये जो अदरक क्या बना रहे हो मम्मी? कुछ नहीं, ये जो अदरक लेकर आए थे ना डैडी ने, तो वो अदरक को काट के सोच रही हूँ फ्रिज में पीस कर रख देती हूँ, क्योंकि ना फिर ये ऐसी पड़े रहेगी तो ख़राब हो जाएगी। ऐसी ये गिल्ली अदरक थी, तो अभी मैं इसको ना अच्छे से कट कर लेती हूँ, साफ़ करके और फ्रिज में इसको रख देती हूँ पीस कर। तो उससे अगर कभी मुझे ऐसा लगता है ना इमरजेंसी में, तो लहसुन भी लेकर आऊँगी, वो भी पीस के अलग अलग दोनों रख दूँगी, तो जल्दी जल्दी से खाना पक जाएगा, है कि नहीं राफी? तो अभी हमने चाय पी है, देखो भाई अभी जल्दी तो इसमें से लेके डाले वो बोल। अभी काट लेती हूँ, फिर मुझे रोटी भी बनाने का काम पड़ा है, अभी रोटी भी बनाना है। तो सब काम करेंगे फिर फ्री हो जाएंगे, फिर आपसे मिलेंगे। तो गाइज़, यहाँ पे अभी मैं अदरक जो काटी थी उसको अच्छे से धो धा के ही, वैसे तो मैंने काटी थी, तो अभी मैं इसको पीस रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने ना ये अदरक के लिए डब्बा लेकर आई थी, दो डब्बे मैंने लाई थी मार्केट से, बट मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो अभी मैं हॉल में लेके बैठ गई हूँ, इधर देख सकते हो राफिद बैठा है, हॉल में लेके बैठ गई मिक्सर। कब तक किचन के इधर पे खड़े रह के मैं बोली करूँ, तो इससे अच्छा मैंने यहाँ पे ये एक्सटेंशन बोर्ड जो होता है ना वो लगाई हूँ ऊपर प्लग पे, और मिक्सर का प्लग यहाँ लगाई हूँ और यहीं बैठे बैठे बोली पीस लेती हूँ, है कि नहीं गाइस? फटाफट जल्दी जल्दी हो जाएगा, जल्दी जल्दी तो नहीं होगा। मेरे पास ना ये मिक्सर का जो बड़ा वाला बर्तन होता है ना वो नहीं है, है बट वो ख़राब हो गया है, तो अभी ये छोटे से ही काम चलाना पड़ रहा है, तो शायद मुझे टाइम लगेगा, लेकिन कोई नहीं, आज पूरा पीस कर ही लेंगे, नहीं तो इसके डैडी मुझे बहुत दिन से बोल रहे ख़राब हो जाएगी ख़राब हो जाएगी। मैं बोली सही है ख़राब हो। तो गाइज़, अभी टाइम हो रहा है 11:15, ये देख सकते हो आप लोग, मैं एक मिनट जूम करती हूँ थोड़ा सा, ये देखिए दिख रहा है आपको, 11:15 होने आए हैं। और अभी मेरा हो चुका है मसाला पीस के, मसाला तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, अदरक, अदरक मैंने पीस ली हूँ। अदरक के साथ में मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन भी पीस के कल के लिए रख दी हूँ, कि ताकि कुछ खाना भी ना बनाऊँ तो मुझे जल्दी जल्दी मेरा बन जाए खाना। तो अभी ये बारी आ गई है, सब कोथमीर साफ़ कर लेती जब यहाँ बैठी हूँ आराम से हॉल में, है ना राफिद? तो थोड़ा सा काम कर लिया जाए, है कि नहीं? तो गाइस, हम लोगों के घर में ऐसा कोई ज़्यादा परिवार नहीं, हम चार ही लोग हैं, चार में से भी दो जन बाहर होते हैं, जैसा कि मेरा बेटा भी आता है जाता रहता है, और मेरे हस्बैंड तो ज़्यादातर गाड़ी पे रिक्शा पर ही होते हैं, ऑटो चलाते वो। तो एंटरटेनमेंट के लिए मेरे पास इतनी बड़ी कोई फैमिली नहीं है कि जैसा कि मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे वीडियो थोड़ी मस्ती मजाक के जैसा लोगों को देखना होता है तो वो मैं दिखा पाऊँ, तो वो मैं नहीं दिखा पाती हूँ गाइस, क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं है। हम दोनों माँ बेटे दिन भर बैठे रहते, जो मैं खाना बनाती हूँ, जो भी मैं दिन भर में करती, इसलिए
हैं वो आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि अभी आप लोग भी मेरी फैमिली जैसी हो कि मैं दिन भर में क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों से ये सब बातें करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। तो और आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बहुत सारे अच्छे अच्छे बोले तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करो, सब्सक्राइब भी करना भूलना मत। तो बस मैं यही सब दिखा सकती हूँ कि दिन भर में मैं गाइस क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो एक बहुत बड़ी फैमिली भी होती है जिसमें हंसी मजाक होती है वो सब शायद आपको मेरे ब्लॉग में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अकेली हूँ, वो सब चीज़ें नहीं मैं आप लोगों को दे पाऊँगी। इसलिए प्लीज़ वो भी मैं पीस कर रखूँगी। अभी अदरक की तो बारी हो गई है, अभी उसके बाद में मैं ये जो हरा मसाला ये सब है ना, ये एक डब्बा मैंने लिया, अभी उसमें मैं भर के रख देती हूँ। हमारे घर पे ना गाइस कोई भी नहीं होता है कि मैं आपको ऐसा कुछ दिखा पाऊँ मस्ती मजाक, हम चार लोग होते जब हम लोग इधर बड़ा फिर कुछ करना नहीं है, मसाले में चम्मच मत डालना, हाँ लेकिन चम्मच उसमें नहीं डालना, हाँ ऐसा मैं दिखा नहीं पाती हूँ गाइस आप लोगों को, क्योंकि मेरे घर पर कोई नहीं है जो मैं काम करती, तो प्लीज़ उसी से आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह आगे 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 होकर मैं एक ना एक दिन अच्छी अच्छी और वीडियो आप लोगों के सामने दूँगी, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। अभी राफिक खाना बना रहा है गाइस, देखिए कैसा खाना बना रहा है, कितना अलट पलट आवाज़ करके। तो आप ये देख सकते हैं, अभी ये तो मेरा अदरक तो पीस कर हो चुका है, अब इसको बंद कर देंगे। मुझे डब्बे वाले ने बोले थे बराबर भाई ने कि भाभी ये पूरा एक किलो का डब्बा, तो सच में ये एक किलो का पूरा डब्बा जो भर चुका है अभी, हाँ उसमें से थोड़ा पानी गिर रहा है ना अदरक का, तो अभी ये वाला डब्बा अभी खाली था, मैं सोची थी इसमें नहीं आएगा तो मैं उसमें डालूँगी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ उसमें ना मैं ये सब मिर्ची कोतमीर ये सब ना तोड़ कर मैं उसमें रख देती हूँ फ्रिज में, है कि नहीं, तो एकदम अच्छे से ख़राब भी नहीं होगा और अच्छा रहेगा। तो गाइस अभी सब चीज़ को अपनी अपनी जगह रख दे गए, देखो यहाँ पे मैंने तीन डब्बा रेडी करी हूँ गाइस, क्योंकि ना वो जो अदरक लहसुन का जो डब्बा था ना वो था तो बराबर, मैं आप लोगों को बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। जो डब्बा है ना गाइस मैंने इसमें से थोड़ा कम करी हूँ, इसमें भरी हुई देखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊपर तक आ गया था ना, तो उसका जो एक्स्ट्रा जो पानी होता है ना वो अदरक का वो यहाँ से गिर रहा था, तो इसलिए मैंने कम करके इसमें डाल दी। तो अभी फ्रिज में जगह बनाएंगे, फ्रिज में तो हमारी जगह रहती है। ये है चिकन, इसको मैंने ना दोपहर में मसाला लगाई थी, तो अभी उसको फ्राई कर लेती हूँ, पहले ये सब रख देती हूँ। ये जो कोतमीर का है वो, ये है अदरक लहसुन का डब्बा, सॉरी अदरक का खाली, लहसुन अभी मैं पीसूँगी। और ये है, ये देखिए चले गया पीछे, मस्त सब अपनी अपनी जगह पे, है कि नहीं। अभी ये थोड़ा क्लीनिंग कर लेगी यहाँ पर किचन की, ये मैंने बर्तन घस के रखा हुआ है, और इसको ना मैंने आज मैंने जब चिकन का सालन बनाई हूँ ना गाइस, तो मैंने उसी टाइम पे सुबह में इसको मैंने मसाला लगा के रखी थी, अभी मैं इसको भी फ्राई कर लूँगी। मेरे बच्चे लोगों ने चिकन विकन बहुत पसंद है, फ्राई आइटम बहुत पसंद है इन लोगों को। तो गाइस बस अभी इसको वॉश कर लेंगे, मिक्सर को मिक्सर की जगह पे रख देंगे, सब चीज़ को अपनी अपनी जगह पे रख देते हैं, जल्दी जल्दी काम करेंगे क्योंकि 11 बजने आ गया है, सॉरी 11:30 हो गया, 12 बजने आ गया, मैं बोल रही हूँ 11 बजने आया, 12 बजने आया है। आज मैं फुल मोबाइल नहीं देखी हूँ, आज मैं पूरा टाइम से शाम से काम ही कर रही हूँ, पानी भरी, रोटी बनाई, राफिज को खाना खिलाई, आज मैं सिर्फ काम ही कर रही हूँ। कल मैंने बर्तन सॉरी कपड़े वपड़े भी धोई थी, वो आप लोगों से शेयर नहीं की थी, क्योंकि मुझे थोड़ा इनके गांव का जो इन्होंने वीडियो बनाए थे ना आप लोगों ने देखे होंगे, वो जो ट्रैफिक हवलदार था बेचारे, ये है कोकन के लोग जो कि बहुत ही अच्छे रहते हैं, बहुत उनमें इंसानियत होती है, उसने ये नहीं देखा ट्रैफिक हवलदार ने कि ये इंसान कैसा है, ये मांगने वाला है कैसा है क्या, जिसमें वो उसने पानी पिया जो मांगने वाला था बेचारा ज़ईफ इंसान था कोई, उसी में वो ट्रैफिक हवलदार ने भी पानी पिया, देखिए इसको बोलते हैं इंसानियत, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। गाइज अभी देख सकते हो चिकन पकौड़ों का टोप खाली हो चुका है, मतलब यहाँ पे आ चुका है, ये देखिए मैंने चिकन पकौड़ा अच्छे से फ्राई कर ली हूँ, और यहाँ पे 2-3 हो रहा है, तो बस इसको अभी थोड़ा सा खाएंगे और टेस्ट करेंगे कैसा बना, लेकिन बहुत गरम गरम है। मुझे ना गाइज गरम में ही चिकन खाने अच्छा लगता है, बाद में मुझे नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि जो गरम में खाने मज़ा है ना वो ठंडे में मज़ा नहीं है, है कि नहीं, गरम गरम मज़ा रहता है। तो अभी मैं फ्राई करके रखी हूँ, उसके डैडी आएंगे ना फिर मैं खाऊंगी, उसके डैडी के साथ में मैं खाती हूँ, चलेगा ठंडा हो जाएगा कोई नहीं, अभी 1-2 पीस खाऊंगी, थोड़ा सा अपनी ज़बान को चटक के लिए खाऊंगी। तो चलो अभी मैं ये सब भी कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे।